इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, इस वर्ड को अगर तुम लोग तोड़ोगे तो क्या होगा, इसमें कौन सा एनर्जी का बात होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अगर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। इस चैप्टर से तुम्हारा 4 से 5 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन रहेगा, और तुम्हारा नेट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, और मेंस में भी तुम्हारा 1 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा लगेगा ये चैप्टर। तो सबसे पहले है ना, इसमें हम लोग जानेंगे कि कंडक्टर्स तो जानते हैं ना, कंडक्टर्स किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है ना। इसमें तुम लोग को 2 टाइप्स का पढ़ना है। फर्स्ट है तुम्हारा मेटैलिक कंडक्टर्स, और सेकंड है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटैलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो दोनों का अगर डिफरेंस कर देंगे, मेटैलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, तो देखो क्या क्या डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। सबसे पहले कि मेटल में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ठीक है ना, तो मेटल में किसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में किसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, आयंस के कारण, ठीक है। मेटल में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है तो इसमें इस मेटल में कोई चेंज नहीं आएगा, पर इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा तो उसमें किस फेज में होना चाहिए, एक्वस फेज या मॉल्टन फेज, और उसी समय केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। मेटल में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है, तो सॉलिड स्टेट में भी बताए थे, और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है। कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज़ करता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। तो इसमें जितना जो पॉइंट बताएं उसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या बताएं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है, आयंस, ठीक है ना, आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट क्या बोले थे कि मेटल में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो मेटल में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग इसमें लिख लेंगे दे अलाउ दी इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, ठीक है। इसमें क्लियर है ना कि ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या बताए थे तुम लोगों कि इलेक्ट्रिसिटी कब होगा, जब तुम्हारा एक्वस फेज होगा या नहीं तो क्या होगा, मॉल्टेन फेज होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम किस फेज में बताए थे, पास थ्रू देम इन एक्वस स्टेट और कौन सा, मॉल्टेन स्टेट, और क्या बोले थे, एट द सेम टाइम दे अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, मॉल्टेन स्टेट एट द सेम टाइम they undergo chemical decomposition, clear है, ठीक। अब इसमें क्या बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो बस लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मेटल है ना, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस,
याद है ना, बताया था कि मेटल में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल आयंस क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हिंड्रेंस होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और इसमें क्या बोलेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या इंक्रीज कर जाता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। बोलो क्लियर है ना ये तीन पॉइंट, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल, इसमें आयंस रिस्पॉन्सिबल, इसमें अगर कंडक्शन हो रहा है तो मेटल में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें इन एक्वस स्टेट और मॉल्टन स्टेट में होगा, एट द सेम टाइम अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण तुम्हारा कंडक्टिविटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक। अब चलो हम लोग पढ़ने जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो तीन नाम है, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना, यहाँ से चैप्टर मैंने स्टार्ट हुआ। इसी को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। और इसी का नाम है वोल्टेइक सेल, ठीक है, वोल्टेइक सेल। और एक और नाम है इसका डैनियल सेल, ठीक है, डैनियल सेल। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन था कि डैनियल सेल किसको बोलते हैं, अगर कॉपर और जिंक ऐसा इलेक्ट्रोड लेंगे ना तो वो डैनियल सेल कहलाएगा। तो डैनियल सेल में लिख देते हैं कि कॉपर एंड जिंक एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना, कॉपर एंड जिंक एज इलेक्ट्रोड्स। अब देखो तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, ठीक है, तो सेल में देखो यहाँ पे हम लोग का ये बीकर है, इसको हम लोग एनोड मानेंगे, की हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, यहाँ कैथोड हो गया, ठीक, ये सॉल्ट ब्रिज है, इन्वर्टेड यू ट्यूब, ठीक है, ये की, वोल्ट मीटर। अब ध्यान से जरा सा देखना, यहाँ ये जिंक है, ठीक है ना, ये कौन सा रॉड है, ये जिंक रॉड है। जिंक रॉड में हम लोग है ना सॉल्यूशन लिए, ZnSO4 का सॉल्यूशन लिए, ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये रॉड क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव को हम लोग क्या मान रहे हैं, एनोड मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ कॉपर डिपॉजिट होते हम दिखा रहे हैं, ठीक है, बताएंगे कैसे हुआ, ये कॉपर रॉड है, ठीक है ना, कॉपर रॉड में इसमें किसका सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, CuSO4। ये मेरा कैथोड है, ठीक है, और कैथोड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक, ये इन्वर्टेड यू ट्यूब है, ठीक है, इसको है ना, इसमें हम लोग KCl, ठीक है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखे, KCl रखे। अब ध्यान से समझना, जो एनोड पे है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ जो जिंक रॉड है तो Zn में से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और Zn के ऊपर क्या चार्ज आएगा, Zn के ऊपर 2+ चार्ज आया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। कॉपर, ठीक है ना, कॉपर पे रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो CuSO4 है तो Cu2+ में टूटा है ना, तो देखो Cu2+ जो है वो क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें चेंज हो गया, कॉपर में, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये भी इसको भी क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन, क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ठीक है। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन भी और क्या है, रिडक्शन भी, दो इलेक्ट्रॉन काट दो तो Zn+ Cu2+ यहाँ क्या देगा, Zn2+ Cu, इसको कौन सा रिएक्शन तुम लोग बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो फिर से देख लेना जरा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ पे एनोड को हम लोग नेगेटिव माने हैं, कैथोड को क्या माने, पॉजिटिव माने। जो एनोड है मेरा, एनोड को है ना हम लोग जिंक लिए हैं, जिंक रॉड, और उसी का सॉल्यूशन लिए, Zn SO4 सॉल्यूशन, और कॉपर CuSO4 सॉल्यूशन है,
इसमें किसका लिए है, कॉपर रॉड लिया, और उसी का जिसका रॉड लेंगे ना, मेटल रॉड लेंगे, उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम KCl है, KCl क्यों डालते हैं बताएंगे, सॉल्ट ब्रिज है, ये वोल्ट मीटर है और यहाँ की है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट जो नोट करेंगे वो होगा कि जिंक रॉड इज डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है ना। जिंक रॉड को हम लोग किस में डिप्ड किए हैं, जिंक रॉड इज डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है ना, ZnSO4 सॉल्यूशन एंड टेकन एज, इसको क्या ले लेंगे, एंड टेकन एज एनोड, टेकन एज एनोड, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट तुम लोग नोट करोगे कि कॉपर रॉड जो है ना, कॉपर रॉड इज डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन एंड टेकन एज कैथोड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि क्या कहते हैं, जो सॉल्ट ब्रिज है वो इन्वर्टेड यूट्यूब है जो दो बीकर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एन इन्वर्टेड यू, कैपिटल यू, ठीक है ना, यूट्यूब कनेक्ट्स टू बीकर्स नोन एज सॉल्ट ब्रिज, क्लियर है। सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं KCl, और अगर ऐड करते टू मेक सेमी सॉलिड पेस्ट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, ठीक है। अगर इज एडेड टू मेक सेमी सॉलिड पेस्ट, क्लियर है। इतना पॉइंट नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं। यहाँ देख रहे हो ना, जिंक रॉड इज डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन टेकन एज एनोड, कॉपर रॉड इज डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन टेकन एज कैथोड, पता ही है, ठीक है। एन इन्वर्टेड यूट्यूब, उल्टा यू, ठीक है ना, एन इन्वर्टेड यूट्यूब, ठीक है ना, कनेक्ट्स टू बीकर नोन एज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl, अगर ऐड करते टू मेक सेमी सॉलिड पेस्ट, ठीक है। चलो अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताएं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, स्टाफ मार्क करके नोट करेंगे, ठीक है ना, कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक। अब चला इसको ध्यान से समझना ये वाला पार्ट को, ठीक। यहाँ पे देखो ZnSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ZnSO4 सॉल्यूशन में से क्या निकल रहा है, Zn2+ निकल रहा है। तो यहाँ वाला जो बीकर है इसमें क्या है, Zn2+ चार्ज है ना, है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्जेस पे है। तो इसमें से KCl में से कौन इसमें से फ्लो करके आएगा कि इसको बैलेंस करके रखेगा, तो देखो यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ से कौन फ्लो करके आया, ध्यान से देखना, यहाँ से कौन आ रहा है, Cl-, क्योंकि इस कंटेनर में Zn2+ बढ़ रहा था। जरा यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताए थे कि CuSO4 था ना, तो Cu2+ और SO4 2-, ठीक है ना। तो Cu2+ जो है वो यहाँ पे आके क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है। देखो ना, Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हुआ, कॉपर में चेंज हुआ, तो यहाँ आके क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो इस कंटेनर में कौन बढ़ रहा है, SO4 2-, इस कंटेनर में क्या बढ़ रहा है, SO4 2-, तो इसमें कौन फ्लो करके आ जाएगा, K+ आ जाएगा फ्लो करके, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन तो पता चल रहा है ना, कि इट मेंटेन्स क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। और एक और फंक्शन, इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, ठीक है ना, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो देखो हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, क्लियर है ना। तो फिर क्या कहते हैं, इसमें वोल्ट मीटर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया ये दोनों बीकर के बीच में, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट जो है वो हम लोग लिख लेंगे, डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर
डिफ्लेक्शन इन वोल्टमीटर इंडिकेट्स दैट देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स क्लियर है ना। ठीक है अब फिर देखो आगे। ठीक है तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज हो गया और वोल्टमीटर के बारे में भी क्या इसका फंक्शन है पता चल गया। अब जरा सा यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से हो रहा है, जिंक लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो जिंक से किधर जा रहे हैं हम लोग, कॉपर की तरफ। तो देखो हम लोग ये डायरेक्शन दिए, ठीक है ना, ये डायरेक्शन किसका गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो करंट का किधर से किधर फ्लो करेगा, तुम लोग जानते हो कि करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग अपोजिट कर देंगे, ठीक है, देखो इधर से, ठीक। तो यहाँ कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देख लो सारा चीज़, ठीक। अब एक ट्रिक्स याद रखना, लोन वर्ड क्या याद रखेंगे, लोन, ठीक है ना। तो एल से हो गया लेफ्ट, ओ से हो गया ऑक्सीडेशन, और ए से हो गया एनोड, और एन से हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो देखो एल लेफ्ट साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट साइड क्या है, ए एनोड, क्या है, एनोड, और एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये लोन वर्ड तुम लोग याद रखोगे। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इसमें जो जो तुमको पॉइंट नोट करना है, मालूम है कि इस साइड क्या है, एनोड है लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या है तुम्हारा, कैथोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, और वहाँ क्या है, रिडक्शन। सॉल्ट ब्रिज का तुमको फंक्शन ध्यान देना है, और करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इधर गया और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इधर आया, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सेल रिप्रेजेंटेशन जान लेते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब देखो यहाँ पे है ना, इस साइड तुम लोग एनोड लिखोगे, दो वर्टिकल लाइन है ना, सॉल्ट ब्रिज बताता है, और इधर क्या लिखना है तुमको, कैथोड लिखना है। तो एनोड में क्या था, मेटल था, मेटल से किस में गए थे, आयंस में गए थे, तो एम के ऊपर एन प्लस, ठीक है ना, जो भी चार्ज हुआ 2+ और 3+। फिर दो वर्टिकल लाइन तुम सॉल्ट ब्रिज दिखाओगे, और इधर कैथोड है, कैथोड क्या था, मेटल के ऊपर जो चार्ज था डिवाइडेड बाई क्या था, मेटल था। ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन तुम लोग का रहेगा, जैसे अभी हम दिए Zn प्लस क्या था, Cu2+, इधर क्या दे रहा था, Zn2+ + Cu। लिखेगा क्वेश्चन के सेल रिप्रेजेंट कीजिए इसको, तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ क्या लिखोगे, Zn बाई क्या लिखोगे, Zn2+ लिखोगे, दो वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज का दोगे, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, Cu2+, ठीक है ना, Cu2+ बाई क्या लिखोगे, Cu, ठीक है ना। ये हुआ सेल रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देते हैं, आगे का 2 या 3 मोल में है ना, तुम लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, उसमें लिखते नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे अभी वो NCERT का भी तुम्हारा क्वेश्चन था, Zn+ क्या था, 2Ag+, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा Zn2+ + 2Ag, ठीक है ना। इसको बोलेंगे कि सेल रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना। तो आगे के मोल को नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो तुम एनोड को कैसे लिखोगे, Zn बाई क्या लिखोगे, Zn2+, दो वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज दिखाओगे, और फिर इधर क्या लिखोगे, Ag+, ठीक है ना, Ag+ / Ag लिखोगे, ठीक है ना। इधर एनोड हो गया, इधर कैथोड हो गया, और दो वर्टिकल लाइन क्या बता रहा है, सॉल्ट ब्रिज बता रहा है, ठीक। NCERT का एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3.3 है, ठीक। यही क्वेश्चन था जो अभी हम दिए थे, Zn2Ag+ तुमको दे रहा है, Zn2+ + 2Ag। ये बोर्ड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम का आया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है ना कि डिपिक्ट करना है गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो तुम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन जो बताए अभी वो दिखा दोगे, ठीक है ना। उसके बाद द कैरियर ऑफ, पहला पार्ट है विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो सेल रिप्रेजेंटेशन तो तुम लोग कर लोगे, अभी जस्ट बताया कि Zn बाई क्या होगा,
जेड एन टू प्लस होगा और तुम्हारा इधर क्या होगा, ए जी प्लस बाई क्या होगा, ए जी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि कौन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज कौन था, एनोड था मेरा, तो जिंक तुम्हारा क्या है, जिंक रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल, ठीक है ना, तो करंट का कैरियर कौन सा है, तो बताओ तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा। हम बताएं कि जिंक से सिल्वर, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक उसके अपोजिट होगा, तो यहाँ पे कैरियर ऑफ करंट क्या होगा, सिल्वर कहाँ से कहाँ करंट फ्लो करेगा, सिल्वर टू जिंक, हम लोग लिख सकते हैं द कन्वेंशनल करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू जिंक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कन्वेंशनल करंट लिख लेना फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू जिंक, मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन जिंक से सिल्वर गया, ठीक है ना, एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, तो करंट किधर से किधर जाएगा, सिल्वर टू जिंक आएगा, ठीक है ना। थर्ड को जो पार्ट है वो पूछ रहा है द इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, तो इंडिविजुअल रिएक्शन से तुम लोग लिख लोगे, एनोड पे क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जेड एन में से क्या गया था, दो इलेक्ट्रॉन निकला था, किस में चेंज हुआ था, जेड एन टू प्लस में और कैथोड, ठीक है ना, कैथोड पे क्या होगा, ए जी प्लस है और किस में गया, टू में, तो ए जी प्लस भी लिख सकते हो या नहीं, तो तुम लोग लिख दोगे टू ए जी प्लस, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में गया, टू ए जी में गया, क्लियर है ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ बच्चा लोग है ना, तो बस एक चीज़ याद रखना है कि एनोड और कैथोड कैसे रिएक्शन में पहचानेंगे, तो जब है ना चार्ज बढ़ेगा वो क्या होगा, एनोड होगा, और चार्ज का घटना क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, देखो अकेला इसका चार्ज क्या है, जीरो, तो जीरो से प्लस टू में बढ़ गए, तो जो बढ़ जाएंगे ना तो वो एनोड हो जाएगा, याद रखना, चार्ज बढ़ जाएगा तो एनोड और घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैथोड, तो यहाँ ए जी प्लस है ना और यहाँ क्या है, जीरो है, तो यहाँ हम लोग प्लस से किस में गए, जीरो, घट गए, घट गए तो कौन सा हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, तो रिएक्शन में ऐसे करके पहचान देना, ठीक है। हाँ चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ देखो ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें हम डाल दिए जिंक रॉड, क्या डाल दिए, जिंक रॉड, यहाँ ये दोनों केस हो सकता है, एक बार क्या होगा, Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Zn2+ में, यहाँ फिर Zn2+ क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, Zn में, ठीक है, तो चार्ज इसमें क्या हो रहा है, चार्ज का सेपरेशन होगा, कैसे होगा, एक लूज कर रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, ठीक है ना, इन आइदर केस देयर इज चार्ज सेपरेशन बिटवीन किसके, इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, ठीक है ना, और ये चार्ज सेपरेशन के कारण पोटेंशियल डेवलप होता है और इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको देखो क्या लिखेंगे, इन आइदर केस देयर इज चार्ज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, ठीक है, पोटेंशियल इज डेवलप ड्यू टू चार्ज सेपरेशन नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है, ठीक है, चार्ज सेपरेशन क्लियर, लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है, सपोज रॉड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जा रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, टू टाइप्स का होगा, पहला क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, फर्स्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये क्या करेगा, मेजर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, मेजर ऑफ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेकंड रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें क्या हो जाएगा,
मेजर ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैल्यू दोनों का सेम होगा पर साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो क्या लिख देंगे लास्ट पॉइंट जो है उसको स्टार मार्क के, वैल्यू ऑफ बोथ इज सेम बट साइन इज अपोजिट, क्लियर है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। स्टैंडर्ड वर्ड से क्या आ रहा है समझ में, 1 मोलारिटी का सॉल्यूशन होना चाहिए, 180 प्रेशर होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए, ठीक। तो इसमें देखो क्या लिख देंगे, व्हेन मेटल रॉड इज डिप्ड इन 1 mm सॉल्यूशन, ठीक है ना, 1 मोलारिटी सॉल्यूशन एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, द पोटेंशियल, ठीक है ना, द पोटेंशियल डेवलप्ड इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। अब इसमें जो कीवर्ड है, कीवर्ड तुमको क्या याद रखना है, 1 mm सॉल्यूशन, 298 केल्विन, 1 atm प्रेशर, ठीक। तो आज हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक, और फिर उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन जाने हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जाने, 2 types ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जाने, और फिर ये क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में मेरा होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में और फिर उसका एप्लीकेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़।